यस 90 में से 90 क्या हो गया, क्यों रो रही है? मैं फेल हो गई। अरे यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लियो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पूरे साल पढ़ी नहीं थी। कोई बात नहीं, अब एटलीस्ट अपनी गलती तो रियलाइज हुई ना, अगली बार और मेहनत करेंगे, ठीक है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट में। तो आज के सेशन में तुमको लग रहा होगा कि मैम तुमको सिखाने वाली है गैंगस्टर कैसे बनते हैं। नहीं नहीं ब्रो, मैं तुझे ये नहीं सिखाऊंगी कि गैंगस्टर कैसे बनते हैं, मैं तुझे ये सिखाऊंगी कि अंडरग्राउंड कैसे होना है। जी हाँ, मेरा मतलब गैंगस्टर से था कि हाँ, हम लोगों के पास यही वाला टाइम है जिसमें हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा कि तू कहाँ है। हाँ, तुझसे बात कर रही हूँ। तू कहाँ गया, तू क्या कर रहा है, तू कब सोता है, तू कब जागता है, किसी को कुछ नहीं पता होना चाहिए। अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ। गैंगस्टर यही तो करते हैं ना, बस गैंगस्टर कुछ करने के बाद अंडरग्राउंड होते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, तुमको बस पढ़ाई करनी है, और उस पढ़ाई को करने के लिए तुमको गायब होना है। बी अ गैंगस्टर नाउ, दुनिया को दिखा दे कि तू भी कुछ कर सकता है, तू भी कुछ है। जी हाँ, बिहेव लाइक अ डॉन, बन जा भाई डॉन। कुछ ऐसा करना है तुझे जो कोई और नहीं कर सकता है, कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी तूने नहीं किया है, यानी कि तुझे टॉप करना है। तुझे इस साल टॉप करना है, चाहे जो चाहे लग जाए, चाहे तुझे एनर्जी बहुत देनी पड़े, चाहे तुझे टाइम बहुत देना पड़े, चाहे तुझे कम सोना पड़े, कम खाना पड़े, तुझे टॉप करना है। अगर टॉप करना है कमेंट्स में जल्दी से लिख, मैं टॉप करूंगा, दैट्स इट। मुझे सिर्फ यही लिखना चाहिए, मैं टॉप करूंगा। चाहे आप 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं, 12वीं, किसी भी क्लास में है, ठान लो आज, इसी पल से, इसी मोमेंट से ठान लो कि तुम करके दिखाओगे, करके दिखाना है। ठान लो कि करके दिखाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं कि करूंगा, करना चाहिए, करना ही है। 100% श्योर हो जाओ कि करना ही है। क्या करना है? टॉप करना है बस। क्या करना है? बस टॉप करना है। शर्मा जी के बेटे ने 99 ले लिया, ठीक है। चौहान जी की बेटी ने भी टॉप मार लिया, कोई बात नहीं, मार लिया ना, खत्म हो गई कहानी। अब तू रचेगा कहानी, तेरी बारी है अब कहानी रचने की। एक नया पन्ना शुरू हो चुका है, यही है वो टाइम, यही है वो समय जिसमें तुझे कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। माँ बाप जब सर उठा के बोल पाएंगे, जब तू टॉप करेगा कि वो मेरा बेटा है, वही लड़का, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे शिक्षा दी है, मैंने उसे सिखाया है कि तुझे कुछ कर दिखाना है। तुम्हारे गुरु सर उठा कर बोल पाएंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है, तुम्हारे भाई बहन खुशी से बोलेंगे, पार्टी चल रही होगी। तुमने भी इस वीडियो की शुरुआत में छोटा सा ट्रेलर देखा, एक बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था, मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे मार्क्स नहीं आए, वो बहुत रो रहा है, हम उसको नहीं समझा सकते, उसका दर्द अलग है। और एक बच्चा दूसरी तरफ मार्क्सशीट लेके खुश हो रहा है, ये पे हो रहे, ये वो ऐसे कुछ कर रहा है, वो खुश है। तुमको डिसाइड करना है इसी वीडियो के चलते चलते कि तुमको इस साइड आना है रोते हुए, या फिर तुझे इस साइड आना है हंसते हुए खुशी के साथ कि मैं कर दिखाऊंगा, मैं ही बनूंगा टॉपर, अपने बोर्ड का टॉपर, अपने स्कूल का टॉपर, क्लास टॉपर, यार मैं बन के दिखाऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं, सिर्फ मैं। तो इसके लिए तुझे क्या करना है, तुझे होना है गायब, छुप जा, छुप जा, सोच कि तेरे पास अभी आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ तू है और तुझे पढ़ना है, पढ़ने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। कल को यार ठेला चलाना पड़े तो सोच ले एक बार, अगर नहीं पड़ेगा ठेला चलाना पड़ेगा, सोच ले मजदूरी करनी पड़ेगी, तो आज सोच करना, अभी से पढ़ना शुरू कर दे। अब मैम हमने मोटिवेशन तो बहुत ले ली, बहुत मोटिवेशन ले ली, बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत समझ में आ गया, पर करूं कैसे? यार तेरे हाथ में है, मैं तुझे बस रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुझे पड़ेगा, मैं तुझे गोद में उठा के नहीं ले जाऊंगी, नहीं ना ही मैं तुझे अपनी साइकिल ऑफर करूंगी कि जा बेटे इस रास्ते पे चला जा, तुझे खुद से चलना है, मैं बस तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तुझे चलना खुद से है, अमल तू करेगा, बात मैं बताऊंगी। अगर डील डन है तो कॉमेंट्स में लिख आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है अभी।
कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तुम्हारे पास, ना मेरे पास, ना किसी और के पास। यही वो टाइम है जिसमें फोर दिखाएंगे, मचा देंगे। यही बोल दो ना तुम लोग अपनी लैंग्वेज में। दिस इज व्हाट यू से, मैम मचा देंगे हम बोर्ड्स में। मैम इस बार तो हम ही करके दिखाएंगे। मचाओ फिर। आई वॉन्ट टू सी दैट फायर, मुझे वो आग देखनी है। लगा दो अब बस। यही है वो टाइम जिसमें तुमको वो आग लगानी है, जिसका रिजल्ट तुमको मिलेगा, समझे? चलो शुरू करते हैं फिर आज के छोटे से सेशन को। यहाँ पर मैंने लिखा है एक महीना रह गया है, एक महीना रह गया। मैम दो ढाई महीने तो है एग्जाम्स में, तो वो जो डेढ़ महीना है ना उसमें तू अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करियो, कि तू अटेम्प्ट कर पाएगा। तू चाहे बोर्ड्स का स्टूडेंट है, चाहे तू नौवीं का है, तू करके दिखा सकता है और तुझे करके दिखाना है। उसमें तू सेल्फ स्टडी करियो। ये एक महीना तो इधर उधर सबसे ज्ञान ले, बट उसके बाद तू क्या करेगा? उसके बाद तू सेल्फ स्टडी करेगा। क्या करेगा? उसके बाद तुझे सेल्फ स्टडी करनी है। चल फिर पैटर्न मैं तुझे समझा देती हूँ कि तुझे करना क्या है। उसके बाद तेरी मर्जी है तुझे फॉलो करना है कि नहीं करना है। सबसे पहली चीज, मोबाइल स्लॉट। बाबू खाना खा लिया? तूने खाना खा लिया? सो गई? सो गया, बाद में आ जाएगा। कोई नहीं भाग रहे, Nobody is going, कोई नहीं जा रहा है, कोई भी नहीं, ना वो जा रही ना वो जा रहा, सब यहीं के यहीं है। बट हाँ, तेरे मार्क्स कम आ गए तो जरूर चले जाएंगे। लिख ले आज, तेरे मार्क्स कम आ गए तुझे वो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तू यार लूजर है। तुझे लूजर कहलाना है, नहीं कहलाना। और इसको दिल पे मत लेना, मैम हमको ऐसे बोल रही है। तुम्हें इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ ताकि कल को कोई और तुमको ऐसा ना बोले। तुमको टॉपर बनना है, नहीं तो इतने मार्क्स लाने की कोई साइड वाला अंकल, कोई साइड वाली आंटी मुंह ना खोल पाए। ये तो पढ़ता था, इसके मार्क्स कम आ गए। ये तो मस्ती करता था, इसके मार्क्स कम आ गए। ये तो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था, इसके मार्क्स कम आ गए। नहीं सुनना है यार, मम्मी पापा ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सुनते हैं, ये मत सुनवाना, बिल्कुल नहीं। तो अभी ना मोबाइल स्लॉट बांध ले कि हाँ मैं गिन के 15 मिनट मोबाइल यूज करूंगा पूरे दिन में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी है हटा दे, थोड़े दिन हटा दे, कोई नहीं भाग रहा है। शादी दिख रही होगी तो जिस टाइम पे सबकी, ये भी शादी कर रहे हैं, वो भी शादी कर रही है, हटा दे, मान दे इस बात को। दूसरी चीज, सेवेंथ डे रिविजन। सेवेंथ डे रिविजन यानी कि पूरे एक हफ्ता लग कर पढ़ाई कर। यही वो टाइम है जिसमें 16 घंटे 15 घंटे हवा नहीं है, हवा में बात नहीं चल रही है, लोग पढ़ते हैं इतना। टॉपर बनना आसान नहीं है, एक मेडियोकर लाइफ तो तुम जी सकते हो हमेशा। तुम सस्ते में आसानी से टिकाऊ काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पास तो तुम आज भी हो जाओगे, टॉपर कैसे बनोगे? टॉपर बनने के लिए तुझे ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सातवें दिन पर पूरा जम के पढ़, जितना पूरा एक हफ्ते में पढ़ा उतना रिवाइज कर सेवेंथ डे पे। डोंट बी अ मल्टीटास्कर बहन, मटर नहीं छिलेगी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अगर तू अभी आटा नहीं लेकर आएगा राशन की दुकान से तो कोई दिक्कत नहीं, घर में खाना बनेगा, पापा ले आएंगे, भाई ले आएगा, बहन ले आएगी, मम्मी ले आएंगी, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीटास्कर मत बन, गिन के जब 15-20 मिनट का ब्रेक ले तो ये सारी चीजें कर, उसके अलावा ये सारी चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, भूल के भी मत करियो। डिस्ट्रैक्टिंग ऐप, फेसबुक की नोटिफिकेशन आ गई, उसकी भी शादी, ओ विराट कोहली और अनुष्का यहाँ जा रहे हैं, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इनके यहाँ तो ये हो गया। छोड़ दे अभी गॉसिप यार, छोड़ दे, खत्म कर डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को, हटा दे फेसबुक को, इंस्टाग्राम भी थोड़े टाइम हटा दे, पेपर हो जाने के बाद डाल दियो पूरा टाइम मिलेगा उसे। स्केड्यूल, कहानी आती है कि मैम हम ना सुबह पढ़ते हैं, हम ना शाम में पढ़ते हैं। बट पढ़ते भी हो या बस लिख रखा है कि मैथ्स करूंगा एक घंटा, ये करूंगा इतना घंटा ये करूंगा, कर उसको। स्केड्यूल बनाया है तो उसको फॉलो कर, फॉलो नहीं करना था तो बनाया क्यों था? क्यों बनाया था? तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दे कमेंट्स में, क्यों बनाया था? जब पढ़ना ही नहीं है तो स्केड्यूल क्यों बनाना? तो अगर बना लिया है तो पढ़ ले। अब सैंपल पेपर, ये तो भगवान है तुम्हारे लिए, पूजो इनको। हर बोर्ड में क्या होता है, हर स्कूल में क्या होता है, तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया दिया जाता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस पे अमल करना यार, कर सैंपल पेपर सॉल्व, जितने सैंपल पेपर निकाल सकते निकाल, अभी निकालना शुरू कर, पूरे एक डेढ़ महीने तक सिर्फ सैंपल पेपर छाप, रात को बैठ कर पढ़, सुबह पढ़, दिन में पढ़, नींद कम ले,
पूरी जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, बुढ़ापे में क्या करेगा, सोएगा ही तो सही। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल मार। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले पेपर कैसा आता था, क्या पता उसी में से सेम कोई क्वेश्चन आ जाए, इसको भी मत छोड़। ये हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी पूरी कर ले और तुझे कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कोई और रिश्तेदार, कोई नहीं कह सकता है तुमको कि तू हारेगा, तू जीतेगा, तू जीत के दिखाएगा, तुझे जीतना है। इस चीज को जिस दिन तू ठान लेगा तू कर दिखाएगा, किसी की हिम्मत तुझे रोक के दिखाए, कोई नहीं रोकेगा तुझे। आज ही है वो दिन, ठान ले, अभी से पढ़ना शुरू कर दे। आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि ये है तुम्हारी स्ट्रैटेजी, और जो शुरुआत की वीडियो थी वो तुम्हारा फ्यूचर है, वो तुम्हारा फ्यूचर है। या तो तू रो या फिर तू खुशी से हंसते हुए घर आ, लड्डू खा नहीं तो डंडे खा, तुझे डिसाइड करना है तुझे क्या खाना है। खाने में लड्डू चाहिए ना, काजू कतली चाहिए, शाही पनीर चाहिए, या तेरे को डंडा, वाइपर, सोटा, क्या चाहिए, तुझे डिसाइड करना है। आज ही है वो दिन, डिसाइड कर ले। दोबारा मैं नहीं आने वाली हूँ, ना ही दोबारा कोई और ये वीडियो बनाएगा, सेम चीज बनेगी नहीं अभी कुछ टाइम तक, बनेगी अगले साल जाकर, तब तू देख ले तू 10वीं में 9वीं में रहना चाहता है या फिर आगे कहीं जाना चाहता है, तुझे डिसाइड करना है। चलती हूँ मैं, आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमको काफी मोटिवेशन मिली, तुम्हारे अंदर अब वो डिटर्मिनेशन जाग चुकी है कि हाँ तुम्हें टॉप करना है। अगर ये हो चुका है कमेंट्स में जल्दी से आई कैन डू इट लिख दो। आई होप अच्छी लगी वीडियो, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।